विचार इदा प्यारे हो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जदों जा रहे ने ना ते राह दे विच गुजर अपने मझां लै के लंघे ते गुरु कलगी धर पातशाह जी कहन लगे भाई दुध मिलेगा थोड़ा जिहा दुध पिया दिओ। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने मशकरी कर दी मजाक किया कहन लगा जी कहिंदे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं उन्हां आख्या जी ये जिहड़ियां साडे को मझां ने ना ये भज्जिया हुई दुधों ये दुध नहीं देंदियां। हाँ जे दुध चाहिए तो पिछे जिहड़ा बंदा आ रहा ना लवेरियां लै के मारे वो दुध देंदियां ने उहदे तों तुसीं दुध मंग लिओ। तो इतिहास साडा कहिंदा कि वह प्यार उहदे कोल औंसर झोटियां सन जिहड़ियां दुध नहीं देंदियां जिहड़ियां अजे दुधा धारी नहीं हुई हैगियां वह प्यार जानवर उहदे कोल सन। पर यह इन्ना कह के मशकरी मजाक करके महाराज ते गां चले गए। इन्हां नूं ये नहीं पता कि जिहड़ा दुध मंग रहा वह तो इस दुध दा दाता है दुध पुत दा दाता है सब कुछ वंडन वाला खजानिया दा मालक तो यह है तुसीं उसे नूं मना करी जांदे। सो रहो विचार कहिंदे वह आप इदां कह के गां लै गए अपने जानवरां नूं मझां नूं गां लै के ते मगरों जिहड़ा आया उहदे बारे माही लिखिआ भाई वीर सिंह ने कहिंदे सतगुरु पातशाह जी दे नेड़े आया ते मारे कहिण लगे प्यारिया दुध छका दे। कहिंदे प्यार इह बंदा ना जिहड़ा एक शरदा भावना वाला सी प्यार भावना वाला सी उहने गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी नूं वेख्या ते पहिलां ते हथ जोड़ के नमस्कार कीते ते कहिण लगा सच्चे पातशाह मेरा जी ते करदा है कि मैं दुध जिहड़ा तुहाडे तों कुरबान कर देवां इन्हां दा दुध चो के तुहानू छकावां पर सच्चे पातशाह ये अंसर ने यह दुध दिंदियां नहीं। भाई वीर सिंह ने तां लिखिआ जा दुध दे चुकियां सन जां अजे उन्हां ने दुध गां चल के देना सी। सो रहो विचार क्योंकि कई बार मझां दुध देंदियां देंदियां छड जांदियां दुध दुधों भज जांदियां आपां कह दिंदे। भाई वीर सिंह कहिंदे इदां दीआं मझां सन जिहड़ियां दुध नहीं सी देंदियां अंसर झोटी भी इतिहास विच लिखिआ पर जदों गुरु साहब नूं आख्या महाराज दुध देंदियां नहीं ते सच्चे पातशाह जी आखण लगे दुध जिहड़ा है थणा दे विच पाउण वाला साईं परमात्मा है जो कृपा करे ते थणा विच दुध आउंदा इस करके तू उस साईं दा परमेश्वर दा नाम लै के ते भांडा फड़ के ते दुध चोणा शुरू कर। कहिंदे ने उहदे कोल लोटा सी उहदे विच वी छेक ने जदों उहने धार कढ़नी शुरू कीती प्यारिओ कहिंदे ने उह जिहड़ा दुध नहीं सी जिन्हां थणा दे विच उहनां विचों दुध निकलदा उह लोटा जिहड़ा उहदे विच छेक सन छेक करके दुध थल्ले वी वहिंदा पर जिवें ही उह लोटा भर गया ना दुध नाल ते दुध वगणा बंद हो गया। उहनूं बड़ा चाह चढ़िया कि इह ते दुध दिंदी नहीं सी पर सतगुरु की दया के नाल दुध देन लग पी उन्हें प्यारे महाराज सच्चे पातशाह नूं दुध भेटा किया गुरु साहब ने उन्हूं वरत्या ते नाल सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के सामने खड़ा हो गया हथ जोड़ के ते बड़ा चा उत्साह जिहा उहदे मन विच जागिआ ते गुरु साहब सच्चे पातशाह कहिंदे प्यारे की वेखदा ये जिहड़ा लोटा है ना इहदे विच बेशक छेक ने कई छेक ने पर महाराज कहिण लगे तैनू रजाएगा ये तू इस लोटे दे नाल रज जाएगा। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे इहदे नाल बरकतां पैणगियां तेरे घर दे विच ते भाई वीर सिंह कहिंदे उहदे खानदान कोल अज वी उह लोटा जां अगे चल के संगतां सिखां प्यारियां कोल हैगा। कहिंदे ने उहदे विच पहले ते प्यारे जदों कोई चीज़ पाई दी है ना उह वगणी शुरू हो जांदी पर जदों भर जावे ना उपरों तो थल्लों वी बंद हो जांदा वगणा ऐसी गुरू साहब सच्चे पातशाह ने उस बर्तन दे विच वी प्यार बरकत पा दित्ती। सो ये लीला आ मेरे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की जदों कहिंदे भरोसा बज जावे। हुण जे उह बंदा कहिंदा महाराज ये तो पहली गल तो दुध नहीं देंदियां जे दुध देंदियां जे बाई चांस दो चार बूंदा दुध दी आईआं वी तो उदां रुढ़ जाणियां छेक वाले भांडे चों उहने ना नुकर नहीं कीती। सतगुरु का सेवक आग्याकारी सतगुरु का सेवक सदा पुजारी वह तो सदा ही सतगुरु नूं पूजदा वह तो सदा ही सतगुरु की आग्या दे विच चलदा जिहड़ा गुरु का सेवक होवे इदां दे ने सच्चे सेवक जिहड़े जिहड़े दूजे ने प्यार वह तो बहाना लभदे
ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੇਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਝੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।